ये ना मैम बायोकॉन 200 at 270, ये लॉन्ग टर्म के लिए था, ट्रेडिंग वाला मन था, 3 महीने का था। कितना टाइम हो गया लिए हुए? लगभग 1 साल तो हो ही चुका है। 3 महीने का वो था, पोजिशनल लिया था, ना स्टॉप लॉस लगाया, वो टाइम समय खत्म हो गया, वो बिना बात के पोर्टफोलियो पिक बन के रह गई है। भाई गौरांग सर 270 की खरीद, 1 साल डाउन द लाइन 30-40 रुपए का अभी भी लॉस, और बायोकॉन इसकी आम थोड़ा सा लगातार सबड्यूड परफॉर्मेंस में है ही है, क्या करूं मैं अब इसमें? आशीष पहले तो अगर छोटी अवधि का नजरिया था तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे आपको अपनी जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब 1 साल बीत गया है, एज अ डिस्क्लोजर बुनियादी तर्क आधार पर बायोकॉन पर खरीदारी की राय आशीष। लेकिन जब महामारी शुरू हुई और फार्मा क्षेत्र चहक रहा था तब भी ये स्टॉक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर था और आज के तारीख में भी एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। समय इन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि इनका जो निवेश का स्तर है और जहां पर स्टॉक कामकाज कर रहा है वहां से थोड़ी बहुत दूरी नीचे की तरफ हम देख रहे हैं। अगर ये थोड़ा बहुत समय और दे सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि बायो सिमिलर के लॉन्चेस को लेकर के आने वाले भविष्य में थोड़ी बहुत सकारात्मक परिस्थिति आ सकती है। लेकिन जो भी आपको ऊपर की तरफ के दायरे मिलते हैं 280 या 300 के आसपास, तो वहां पर मैं आपको वहां निकलने की राय दूंगा, जो भी मुनाफा मिल रहा है वो समेट ले। और विकल्प के रूप में मेरे ख्याल से निजी क्षेत्र की बैंक्स बहुत सारी बढ़िया कामकाज कर रही हैं, छोटी मझौली बैंक में बात कर रहा हूँ, सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, एक और नई बैंक जिसके नतीजे आए थे हाल ही में, छोटी सी बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, वहां पर अगर आप परिवर्तन करते हैं तो ज्यादा उचित रहेगा। ओके बेंगलुरु